गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं गैसियस स्टेट का, और ये क्लास स्पेशली जान रहे हैं जो टारगेट के लिए है। आज केवल हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन ही बात करेंगे। डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, या इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, मतलब यदि आइडियल बिहेवियर से कोई गैस डिविएट कर जाए, उसको फॉलो ना करे, तो उसको हम कहेंगे रियल गैस। क्या नाम दे देंगे? रियल गैस। दोज गैस व्हिच डू नॉट फॉलो काइनेटिक गैस एजम्पशन, काइनेटिक गैस एजम्पशन, यानी वैसा गैस जो काइनेटिक गैस एजम्पशन को फॉलो ना करे। अब काइनेटिक गैस एजम्पशन क्या है, ये बात तो हम लोग देख चुके हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो काइनेटिक गैस इक्वेशन को फॉलो ना करे, गैस लॉ को फॉलो ना कर सके, एंड आइडियल गैस इक्वेशन आर नोन एज रियल गैस, उसको ही हम लोग किस नाम से जानेंगे? रियल गैस के नाम से जानेंगे। अब थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दें, काइनेटिक गैस एजम्पशन, उसमें हम लोग देखे थे जो गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में रहता है, गैस मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होता है वे परफेक्टली इलास्टिक होता है, गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लिजेबल होता है, गैस मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट रहता है, गैस मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है वे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये सारे का सारा एजम्पशन हम लोग काइनेटिक गैस एजम्पशन में देखे थे। फिर काइनेटिक गैस इक्वेशन याद है किसी को तो बोलिए। तो पीवी बराबर 1/3 है ना, ये इक्वेशन आइडियल गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी, इस सब को फॉलो ना करे तो हम कह देंगे वे कौन सा गैस है? रियल गैस है। वास्तव में इस दुनिया में, नेचर में कोई आइडियल गैस नहीं है। नो एनी गैस आइडियल इन नेचर, ध्यान दीजिए, नो एनी गैस आइडियल इन नेचर, कोई भी गैस नहीं है जो ये एजम्पशन को क्या करे, 100% फॉलो करे, इसीलिए कोई आइडियल गैस है ही नहीं। एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंस बात, यानी एट वेरी लो, वेरी ना याद रहे छोड़ दीजिए, लो प्रेशर और दूसरा क्या, हाई टेम्परेचर पे एक रियल गैस कैसा बिहेव करने लगता है, आइडियल गैस की तरह से। मतलब यदि प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो तो वे काइनेटिक गैस एजम्पशन भी फॉलो करेगा, काइनेटिक गैस इक्वेशन भी फॉलो करेगा, गैस लॉ को भी फॉलो करेगा, आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करेगा। लॉ प्रेशर और हाई टेम्परेचर, समझ गए, उस सिचुएशन में एक रियल गैस कैसा बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह से। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इसमें आपको जो भी है सब तो आपको रटना पड़ेगा, ये तो आपका काम है, मेरा काम तो बस समझाना है, ठीक। चलिए हम लोग ग्राफ के फॉर्म में देखें, हम अभी इतना ही समझे हैं, जो लॉ क्या होना चाहिए, प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे एक रियल गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस की तरह से। तो प्रेशर लॉ देखिए आप, ये प्रेशर तो अपवर्ड होगा हाई, तो जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, रियल गैस और आइडियल गैस दोनों का वॉल्यूम करीब आ गया, दोनों का वॉल्यूम करीब आ गया, दोनों का प्रेशर दिख रहा है। तो लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ रहा है,
तो रियल गैस और आइडियल गैस दोनों एक दूसरे से डिविएट कर रहा है। तो ये ग्राफ ये इंडिकेट करता है जो प्रेशर यदि बढ़ाया जाए तो रियल गैस और आइडियल गैस दोनों अलग हो जाएगा, लेकिन यदि प्रेशर क्या हो कम हो तो उस समय में एक रियल गैस किस गैस किस तरह से बिहेव करने लगेगा, आइडियल गैस की तरह से बिहेव करने लगता है। तो ये जो डिविएशन है, ये जो आइडियल गैस और रियल गैस का जो डिविएशन है, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रूप में हम लोग समझेंगे, यानी उसको मैथमेटिकल जेड से रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहले इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसका रिप्रेजेंटेशन जेड से किया जाएगा, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या, ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है, तो भी रियल भी आइडियल, भी रियल क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, और भी आइडियल मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल गैस उसको कहेंगे जो गैस इक्वेशन को फॉलो करे, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, और रियल जो फॉलो नहीं करे। तो भी रियल यानी मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ रियल गैस, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ रियल गैस, और भी आइडियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ आइडियल गैस। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस और मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के रेशियो को ही क्या नाम रख दिया गया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इसको अगेन हम रिलेट कर दे रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, इसको हम मिटा दें, बहुत इंपॉर्टेंस ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यदि हम कहें फॉर आइडियल गैस के लिए आप क्या जानते हैं, पी भी इक्वल टू एन आर टी जानते हैं ना। तो यहां बात है आइडियल का, तो यहां आइडियल लगा दीजिए, तो पी भी आइडियल इक्वल टू एन आर टी। तो यदि हम यहां, तो ये बात है मोलर के लिए, ये भी आइडियल जैसे ही लगाए तो ये तो मोलर है, तो ऐसा कर देते हैं जो भी इक्वल टू भी आइडियल, और ये क्या है मोलर वॉल्यूम, तो देन क्या कहेंगे n इक्वल टू वन, समझ गया बात को, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम एजम्पशन कर लिए हैं जो ये मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है। तो जब मोलर वॉल्यूम का मतलब समझा दिए कितने मोल के लिए, वन मोल के लिए, तो n बराबर तो वन हो गया। तो हम कहेंगे p भी आइडियल इज इक्वल टू आर टी, वन इंटू आर टी, तो पी भी आइडियल इक्वल टू आर टी, तो भी आइडियल इक्वल टू आर टी अपॉन पी कह सकते हैं। आप जानते हैं जो जेड इक्वल टू भी रियल बाई भी आइडियल हुआ ना, और आइडियल की जगह ये रख दे रहे हैं आर टी पी, यानी भी रियल पी आर टी, तो जेड बराबर पी भी रियल बाय आर टी, एक फार्मूला बन गया। या यूं कह दीजिए जो यदि हम ये कह दें जो पी भी इक्वल टू, आप लोग नीचे नोट कीजिएगा, पी भी रियल इक्वल टू जेड आर टी, समझना है बात को,
ZRT for n mole guys, for n mole guys, तो जब P भी real equal to ZNRT या NZRT दोनों बात क्या है, सेम है। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आइडियल गैस में इंक्लूड कर दिए। थोड़ा सा आप लोगों को देखने में परेशानी हुआ है, इसीलिए ठीक से देख लीजिए। क्लियर है? आप वीडियो को पॉज कीजिए तो ठीक। तो चले हम कुछ पॉइंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हम लोगों को याद करना होगा। फॉर आइडियल गैस ध्यान दीजिए, जेड इक्वल टू वन, सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आइडियल गैस के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, तो क्या कहेंगे, वन। तो अभी तक सिर्फ आपको दो क्वेश्चन दिए, जो एक रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह से बिहेव करेगा, तो क्या देखें, जो प्रेशर क्या होना चाहिए लो और टेम्परेचर क्या होना चाहिए हाई। दूसरा बात आपको ये समझा रहे हैं जो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू यानी जेड का वैल्यू कितना होता है, वन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसका मतलब ये हुआ जो आइडियल गैस के केस में जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी जेड जो है इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर और प्रेशर से। वी नो दैट, अभी अभी हम लोग समझे हैं। क्या समझे हैं बाबू? तो Z इक्वल टू P भी रियल बाय एन आर टी, यही ना समझे हैं? तो यहां जैसे ही हम देखिए, ध्यान दीजिए, भी रियल दे दिए तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो मोलर वॉल्यूम है, ये तो वन मोल का वॉल्यूम है। अब ऐसी इक्वेशन को ये ऐसा भी लिखा जाता है जो PBM observed, रियल का मतलब क्या, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, बाय RT, दोनों बात। अब चले यहां पे, जो Z इक्वल टू कितना, वन, तो P भी रियल RT, तो जब ये वन हो गया तो therefore आप क्या कह सकते हैं, P भी रियल इक्वल टू आर टी। क्लियर हो गया बात? यानी यदि जेड का वैल्यू कितना हो, वन हो, तो पी भी रियल इक्वल टू आर टी हो गया। इससे स्पष्ट क्या हुआ? तो इट सिग्निफाइज देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, इट क्लियर दैट Signified that no interaction between gas molecule। समझे बात? यानी ये बताता है जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच किसी प्रकार से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन मतलब इसमें दोनों होता है, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। तो ये इसका मतलब हुआ, हम लोग तो ये बात समझ गए हैं कहां से, काइनेटिक एजम्पशन ऑफ गैस से, जो गैस के बीच किसी प्रकार से कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा। और यदि ये नहीं शो करता है तब आप कहिएगा जो ये क्या हो गया, आइडियल गैस हो गया। तो एक रियल गैस आइडियल गैस कब बन जाएगा, जब जेड का वैल्यू कितना हो, वन हो, तो वे रियल गैस आइडियल गैस बदल जाएगा। दूसरी बात, यदि हम लोगों को जेड बराबर वन, तो ये क्लियर करता है जो नो इंटरेक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल, किसी प्रकार से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। फॉर रियल गैस
यदि रियल गैस के लिए बात करें तो जेड नॉट इक्वल टू वन, और जब नॉट इक्वल टू वन तो जेड ग्रेटर देन वन या जेड लेस देन वन। फॉर रियल गैस वैल्यू ऑफ जेड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी अभी आपको समझाए जो आइडियल गैस के केस में जेड का वैल्यू जो है वे टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, लेकिन रियल गैस के केस में टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो यदि हम लोग रियल गैस के लिए बात करें तो कहेंगे जेड फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। केस फर्स्ट इफ जेड लेस देन वन, यानी केस फर्स्ट में हम बात करने जा रहे हैं जो व्हेन कर देते हैं, व्हेन दोनों वैल्यू आया है, व्हेन जेड लेस देन वन। सबसे पहले आपको अभी समझाए जो जेड इक्वल टू भी रियल बाय भी आइडियल, यही ना देखे भी रियल का मतलब मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस और भी आइडियल का मतलब मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो यहां तो जेड का वैल्यू जो है वे वन से कम है, तो देखिए इसी बात को यदि हम इस तरह से आप लोग नीचे नोट कीजिएगा, एक्सप्रेस कर दें भी रियल भी आइडियल लेस देन वन, ऐसा एक्सप्रेस कर दें तो भी रियल लेस देन भी आइडियल, ठीक है, भी रियल लेस देन भी आइडियल। यदि इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो इसका मीनिंग क्या समझा जाए? तो इसका मीनिंग यही हुआ जो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। क्या समझे बात? जो यदि जेड का वैल्यू वन से कम होगा उस समय हम कहेंगे जो रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से कम होगा। दूसरी बात, इस तरह के एक्सप्रेशन को नेमिंग कर दिया गया है निगेटिव डिविएशन, निगेटिव डिविएशन। तो कुछ पॉइंट हम इस आपको आउट कर देते हैं, पहले इसको वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो देखें इन दिस केस, यानी किस केस में, अभी जो हम लोग देखें जो भी जो रियल होगा वे आइडियल से कम होगा, यही केस ना बात कर रहे थे। तो इस केस में जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ रियल गैस, इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, इज लेस देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ आइडियल गैस, यानी रियल गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है आइडियल गैस की अपेक्षा। द गैस सॉ निगेटिव डिविएशन, यदि वॉल्यूम कम हो जाए तो उसको हम लोग निगेटिव कहेंगे, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, किसके अपेक्षा, आइडियल बिहेवियर की अपेक्षा, एंड द गैस मॉलिक्यूल आर मोर कंप्रेसेबल। जैसे ही वॉल्यूम घट रहा है इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल कंप्रेसेबल है, दबाया जा सकता है, किसके अपेक्षा, देन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल। इन दिस केस attractive force are higher than repulsive force, यानी attractive force real gas में क्या होगा, ज्यादा होगा repulsive force, so gas can be liquefied easily, इसलिए इस टाइप के गैस को आसानी से लिक्विड में बदला जा सकता है। यानी हम लोगों से कहा जाए जो किस गैस का लिक्विफिकेशन आसानी से होगा, तो हम क्या कहेंगे, जिसका जेड का वैल्यू 1 से कम हो, SO2, HCl, NH3, इस सभी का जेड का वैल्यू 1 से कम होगा। दूसरी बात है जो यहां पे आपको इससे पहले समझाए जो जेड जो है टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, तो अभी हड़बड़ाइए मत, टेंशन मत लीजिए, आगे हम और बात करेंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे जो किस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड है। अभी एक थ्योरेटिकली जितना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड आसानी में समझना था उतना हम बात किए, समझ गए? तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
तो चले हम लोग, यदि z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो हम z इक्वल टू भी रियल बाय भी आइडियल, यही ना देखे, तो भी रियल बाय भी आइडियल ग्रेटर देन 1, तो भी रियल भी आइडियल। ठीक, अब सारा पॉइंट हम लिख देते हैं, अब उतना लैंग्वेज कहानी नहीं लिखेंगे। इस बार क्या देख रहे हैं, जो रियल गैस का जो मोलर वॉल्यूम है वे आइडियल गैस की अपेक्षा ज्यादा है, रियल गैस का मोलर वॉल्यूम आइडियल की अपेक्षा ज्यादा है, तो किस तरह का पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, अब यहां पे जब पॉजिटिव डिविएशन है तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा अट्रैक्टिव फोर्स से, तो रिपल्सिव फोर्स फोर्सेस इन रियल गैस ग्रेटर देन लिखना ही होगा, रियल गैस ग्रेटर देन आइडियल गैस। ठीक, यानी आइडियल गैस की अपेक्षा ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा। इस गैस को आसानी से लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है, गैस कैन नॉट बी इजली लिक्विफाइड, आसानी से लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पॉइंट समझे। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये HW रहा, आप लोगों को इस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करके भेजना है, लेकिन कुछ बच्चे दूसरे नंबर पर भेज दे रहे हैं, उस पर नहीं, 9955 वाला पे भेजना है। और ये सब्जेक्टिव रहा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मतलब है जो क्वेश्चन न बने तो ये पढ़ाना व्यर्थ है, इसीलिए पहले आप लोग अपने से ट्राई करें। कुछ और ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, तो चलें नेक्स्ट HW। ये तो ऑब्जेक्टिव है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ऑफ एन आइडियल गैस, ऑप्शन भेजना है जो कौन सा होगा, ये ऑप्शन भेजना है। लेकिन ये क्वेश्चन देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंस, समझ गए बात को, इसका देखिए ऑप्शन बेस्ट सवाल था, लेकिन ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, खुद आपको आंसर इसको याद कर लेना है, जो व्हेन डज ए रियल गैस शो बिहेवियर सेम एज आइडियल गैस, कब एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव करेगा, और ये कंडीशन आपको हाईलाइटेड करके लिखा दिए हैं, फिर आप लोग हमको लिख करके आंसर यानी भेजेंगे जो किस कंडीशन में। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास और कुछ बात करेंगे।